तो नमस्कार हम दोस्तों, आप देख रहे हैं शुक्री क्वाइटी। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे दर्शकों के बारे में जिसकी टीमों ने उसका दिल तोड़ दिया है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मुंबई और गुजरात के बारे में। गुजरात वालों का दिल इसलिए टूट गया है कि उसके कप्तान हार्दिक पांड्या उसको धोखा देकर किसी और टीम के साथ, यानी कि अपने पुराने घर मुंबई इंडियंस में चले गए। और मुंबई वालों का दिल ये सोचकर टूट गया है कि साला कप्तान बदल गया यार। पहले हार्दिक पांड्या गुजरात के मुंबई की ओर आए तो बहुत खुश थे कि चलो बब्बुआ, हमारा ऑलराउंडर, हमारा सितारा हार्दिक पांड्या हमारी टीम के अंदर आ रहा है। तो भाई खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हर जगह पर टेटर चल रहे थे, ब्लू हार्ट भेजे जा रहे थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद मुंबई वालों ने कहा कि बब्बुआ रुको, ये जो आप बहुत हरकतें कर रहे हो ना, ये करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम हार्दिक पांड्या को कप्तान बन रहे हैं, रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा रहे हैं। तो फिर वापस उसका दिल टूट गया। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले गुजरात वर्सेस मुंबई के बारे में। दोनों टीम मैदान के अंदर तो अब फाड़ने वाली है, WWE की रेसलिंग इसके बीच भी होने वाली है। अब इसके बारे में मेरे को बताने की जरूरत नहीं कि क्यों ये दोनों टीम के बीच भसड़ मचने वाली है, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने गुजरात का साथ छोड़कर मुंबई का हाथ पकड़ लिया है। अगर आपकी एक्स आपके सामने किसी और का हाथ पकड़ लिया तो आपको अपनी एक्स पर गुस्सा तो आएगा ना दोस्तों। तो बस सेम वैसा ही हाल इस स्टोरी के अंदर है। तो आइए जानते हैं दोनों टीम की प्लेइंग 11 के बारे में और हेड टू हेड देखते हैं कि कौन सी टीम पेपर पर स्ट्रांग है और मैदान पर कौन सी टीम फाड़ने वाली है। तो आइए बात करते हैं दोनों टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं मुंबई इंडियंस की तरफ से। तो मुंबई इंडियंस की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आएगी रोहित शर्मा और ईशान किशन, और लाजवाब जोड़ी है। बात करें गुजरात की तरफ से तो वहां पर उसकी ओपनिंग जोड़ी आएगी रितिमान साहा, या यू कहे तो रॉबिन मिंच या शुभमन गिल, जो कि कप्तान है। अब गुजरात की तरफ से शुभमन गिल कप्तान है तो बतौर कप्तान उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। तो अब देखना यह रहेगा कि अपनी बेहतरीन बैटिंग से कैसा जलवा बिखेर पाते हैं। अगली सीजन के अंदर तो ऑरेंज कप के हकदार थे। अगर इस पॉइंट के बारे में मैं बात करूं कि पॉइंट किसको जाएगा, तो भाई शुभमन गिल माना कि बेहतरीन खिलाड़ी और प्रिंस है, लेकिन रोहित शर्मा के सामने क्या ही यार, वो तो छोटा बच्चा दिखेगा ना। अब इसका मैं आपको एक रीजन भी देता हूं कि शुभमन गिल ने खुद कहा है कि जब तक रोहित भैया मेरे सामने खेल रहे हैं तब तक मैं नॉन स्ट्राइक पर खड़ा रहकर बस देखता रहता हूँ कि रोहित भैया कैसे सिक्स लगाते हैं, कैसे फोर लगाते हैं, क्योंकि रोहित भैया पूरी की पूरी ओवर खेल जाते हैं, मैं तो बस टाइट रोटेट करने में ही रह जाता हूँ। तो मेरे हिसाब से पॉइंट जाएगा सीधा मुंबई वालों को, क्योंकि उसके पास बेहतरीन ओपनर है रोहित शर्मा। अब बात करें वन डाउन प्लेयर की, तो वन डाउन मुंबई की तरफ से खेलने के लिए आएगा सूर्य कुमार यादव, और T20 के बेहतरीन खिलाड़ी और ODI T20 रैंकिंग के 2022 के नंबर 1 बल्लेबाज। अब बात करें गुजरात की ओर से, तो वहां पर खेलने के लिए आएगी गुजरात के युवा बल्लेबाज, या यूं कहो तो इंडियन का युवा सितारा साई सुदर्शन। दोनों खिलाड़ी बेहतरीन है, लेकिन सूर्य कुमार यादव की क्षमता T20 के अंदर साई सुदर्शन से कई बेहतरीन है, लाजवाब है। तो मेरे हिसाब से ए पॉइंट भी जाएगा मुंबई इंडियंस वालों को। तो मुंबई इंडियंस वालों लाइक कर दो यार, 2 पॉइंट से आगे कर दिया आपको गुजरात से, तो थोड़ी शर्म करो यार, लाइक बैक करो यार, आपको लीड दे रहा हूं मैं। लेकिन खैर दोस्तों, मजाक से हट के बात करो तो नंबर 4 पर खेलने के लिए आएंगे मुंबई की ओर से तिलक वर्मा, और गुजरात की ओर से खेलने के लिए आएंगे विजय शंकर। अब विजय शंकर क्यों आएंगे इसकी वीडियो में मैंने गुजरात के प्लेइंग 11 के अंदर बेहतरीन तरीके से बता रखे हैं। तो आप वहां पर जाइए और एक बार वहां पर भी जाकर थोड़ा सा व्यूज बढ़ा दीजिए यार, आपको नॉलेज मिल जाएगा और मेरा बस थोड़ा सा काम निकल जाएगा यार, समझा करो। तो दोनों खिलाड़ी बेहतरीन है, क्योंकि नंबर 4 पर तिलक वर्मा मुंबई की ओर से बेहतरीन करते हैं, और यहां पर मेरे हिसाब से विजय शंकर गुजरात की ओर से बेहतरीन काम करते हैं। तो ये पॉइंट मैं बांटना नहीं चाहूंगा, दोनों को इक्वल पॉइंट दे दूंगा। तो गुजरात 2 पॉइंट से पीछे है और मुंबई 2 पॉइंट से आगे। अब बात करें नंबर 5 की, तो नंबर 5 पर मुंबई की ओर से खेलने गए मोहम्मद नबी, और गुजरात की ओर से खेलने डेविड मिलर, और ये पॉइंट जाता है सीधा डेविड मिलर को, क्योंकि मोहम्मद नबी हालांकि ऑलराउंडर है, लेकिन डेविड मिलर ने जो मैच गुजरात के लिए निकाली है ना, वो मोहम्मद नबी ने मेरे को आज तक ना तो अफगानिस्तान के लिए निकालते हुए देखा है और ना ही मुंबई की ओर से मैंने निकालते हुए देखा है। तो ये पॉइंट जाता है सीधा गुजरात वालों को। गुजरात वालों आपको भी एक पॉइंट दे दिया, बराबरी भी करवा दूंगा, तो आप भी लाइक कर दीजिए यार। अब बात करें नंबर 6 की, तो नंबर 6 पर मुंबई की ओर से खेलने के लिए आएंगे वो प्लेयर जिसको मुंबई वाले ही हेट कर रहे हैं, और गुजरात वालों की तो बात ही नहीं करनी, अपनी एक्स को तो हेट करोगे ना यार। तो मुंबई की ओर से खेलने के लिए आएगा हार्दिक पांड्या, और इधर गुजरात की ओर से खेलने के लिए आएगा शाहरुख खान, और ये पॉइंट सीधा जाता है मुंबई वालों को, क्योंकि भाई हार्दिक पांड्या बेहतरीन खिलाड़ी है, हालांकि वो थोड़ा दोगलापन कर लेते हैं, लेकिन भाई बेहतरीन तो बेहतरीन रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पर हम खिलाड़ी की क्षमता माप रहे हैं, उसका दोगलापन या वो कुछ तो हम यहाँ पर मैटर नहीं करता। तो ये पॉइंट जाता है सीधा मुंबई वालों को। तो मुंबई वालों 3 पॉइंट हो गए आपके, और गुजरात वालों को 1 पॉइंट। अब बात करें नंबर 7 की, तो नंबर 7 पर गुजरात की ओर से खेलने के लिए आएगा टीम डेविड, और गुजरात की ओर से खेलने के लिए आएगा राहुल त्रेवटिया, और ये पॉइंट सीधा जाता है राहुल त्रेवटिया को, क्योंकि त्रेवटिया 2 बॉल के अंदर 12 रन हो तो फिर भी मार कर चले जाते हैं। तो पॉइंट सीधा जाता है गुजरात वालों को। तो गुजरात वालों के हो गए 2 पॉइंट, मुंबई वालों के पास है 3 पॉइंट। अब बात करें नंबर 8 की, तो नंबर 8 पर खेलने के लिए मुंबई की ओर से जेराल्ड कोयल जी, और यहां पर गुजरात की ओर से खेलने के लिए गुजरात यान बांछान राशिद खान, तो ये पॉइंट सीधा जाता है
राशिद खान को, क्योंकि भाई राशिद खान का कोई कंपटीशन ही नहीं है गुजरात की ओर से या मुंबई की ओर से, क्योंकि जेराल्ड कोयल्स की पहली आईपीएल है, तो मुंबई की ओर से कैसा खेलेंगे हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते और कोई भी नहीं जानते। पॉइंट जाता है सीधा गुजरात वालों, तो गुजरात वालों आपके भी 3 पॉइंट हो गए, मुंबई वालों आपके भी 3 पॉइंट हो गए। अब बात आ गई टक्कर की, तो अब देखते हैं नंबर 9 पर। तो नंबर 9 पर खेलने के लिए गए मुंबई की ओर से पीयूष रावल और गुजरात की ओर से खेलने के लिए गए पेंसर जॉनसन। अब पेंसर जॉनसन के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन पीयूष रावला ने अगले सीजन मुंबई की ओर से बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए टॉप ऑफ द बॉलर रहे, तो यह पॉइंट जाता है सीधा मुंबई वालों को। तो मुंबई वालों बधाई हो, आप वापस एक बार लीड में आ गए हो। अब बात करें नंबर 10 की, तो नंबर 10 पर मुंबई की ओर से खेलने के लिए आएंगे बुमबुम बुमराह और गुजरात की ओर से खेलने के लिए आएंगे मोहम्मद शमी। और इन दोनों खिलाड़ियों का कंपैरिजन क्या ही करना यार, दोनों बेहतरीन है, लाजवाब है और अपनी फील्ड के दिग्गज हीरो है और इंडियन क्रिकेट टीम के वो सितारे हैं जिसके बिना अभी के वक्त में बॉलिंग लाइन तितर फितर हो जाती है। तो बेहतरीन बॉलर है, तो इस पॉइंट के बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा और ना ही इस पॉइंट को बांटना चाहूंगा, तो दोनों को दे दूंगा इक्वल इक्वल पॉइंट। तो मुंबई की ओर से 4 पॉइंट, गुजरात की ओर से 3 पॉइंट, गुजरात वाले पीछे है, मुंबई वाले आगे है। अब बात करते हैं नंबर 11 की, तो नंबर 11 पर मुंबई की ओर से खेलने के लिए आएंगे दिलशन मधुशंका और गुजरात की ओर से खेलने के लिए आएंगे नूर अहमद। अब दिलशन मधुशंका की पहली आईपीएल है तो उसको मैं पॉइंट नहीं दूंगा, लेकिन नूर अहमद ने गुजरात की तरफ से खेलते हुए बहुत बेहतरीन काम किया है, तो ये पॉइंट जाता है सीधा गुजरात वालों को। अब दोनों टीम 4-4 टीम की बराबरी पर है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि दोनों में से एक ही टीम जीतने वाली है। तो अब बात करते हैं दोनों टीम के इन प्लेग प्लेयर, तो मुंबई की ओर से खेलने के लिए आएंगे नेहल वढेरा और गुजरात की ओर से खेलने के लिए आएंगे मोहित कुमार। और मोहित कुमार के बारे में मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं, वो अगले आईपीएल के अंदर उसने फाड़ कर रख दिया था। अगर रविंद्र जडेजा का लक नहीं होता और अपना दिमाग से काम नहीं लेते और पेशेंस बनाकर नहीं रखते ना, तो फाइनल था कि गुजरात वाले कप ले जाते, आईपीएल का कप ले जाते और लगातार दूसरी बार वो विजेता बन जाते। लेकिन खैर, रोहित शर्मा ने पहली 4 गेंदें लाजवाब फेंकी थी, तो ये पॉइंट जाता है सीधा गुजरात वालों। तो यहाँ पर गुजरात के पास 5 पॉइंट है और वो लीड पर है। अब बात करें मुंबई की, तो मुंबई 1 पॉइंट से पिछड़ रही है, लेकिन अब बात करें दोनों टीम के कप्तानशिप की, तो कप्तानशिप का पॉइंट सीधा जाएगा हार्दिक पांड्या को, क्योंकि शुभमन गिल अभी नए नए कप्तान बने हैं, तो देखना यह भी रहेगा कि वो अपनी कप्तानशिप के अंदर गुजरात को कहां पहुंचा पाते हैं। तो देखा जाए तो दोनों टीम के 5-5 पॉइंट हो गए, दोनों टीम लाजवाब है, बेहतरीन है और पेपर पर इतनी स्ट्रांग है कि इससे बेहतरीन कोई टीम है ही नहीं। हालांकि सीएसके भी इसके जैसी ही टीम बेहतरीन है, लेकिन अभी बात कर रहे सिर्फ ये दो टीम की, तो यहां पर ये दोनों टीम पेपर पर एकदम तगड़ी और बेहतरीन है। लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दूं तो गुजरात वालों की टीम से मुंबई वालों की टीम थोड़ी सी ही सही, लेकिन पेपर पर स्ट्रांग है क्योंकि उसके पास सभी के सभी प्लेयर सीनियर है, उसके पास बेहतरीन लाजवाब टीम है। लेकिन अब देखना यह भी रहेगा कि गुजरात वाले मैदान पर कैसा तहलका मचा पाते हैं। अब बात करें हेड टू हेड की, तो हेड टू हेड के अंदर गुजरात और मुंबई के बीच 2022 और 2023 के अंदर कुल 3 मैच हुए हैं, जिसमें से मुंबई वाले 2 जीते और गुजरात वालों ने अगली सीजन के अंदर 1 मैच जीता था। यही थी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो दोनों टीम के बेहतरीन परफॉर्मेंस के बारे में, या यूं कहो तो प्लेइंग 11 के बारे में। आपको कैसे लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएगा और कल किस टीम पर वीडियो बनाओ वो भी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएगा। तो चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं किसी और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब कर लेना।